हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? दिस इज़ निकिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को अपने साथ लेकर चलूँगी पौंडीचेरी, जिसको पुदुचेरी भी कहते हैं और इंडियाज लिटिल फ्रांस भी बोलते हैं। आप पूरी वीडियो में मेरे साथ रहिए और मेरी जर्नी का पार्ट बनिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। हम लोग बेंगलोर से पौंडीचेरी जा रहे हैं बस से, और हमारा स्टॉप है मडीवाला। बेंगलोर से पौंडीचेरी 6 to 7 hours लगते हैं, और इसकी बसेज आपको 600 से स्टार्ट है और 1300-1400 तक मिल जाती है, डिपेंडिंग अपॉन योर टाइप ऑफ सेलेक्शन। आपको एसी बस चाहिए, सेमी एसी, स्लीपर, नॉन स्लीपर। तो हम बस पे बैठ चुके हैं और हमारी बस स्टार्ट हो चुकी है। मैं आपको मिलती हूँ कल सुबह। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पौंडीचेरी। तो हम पौंडीचेरी पहुंच चुके हैं। अभी हम देखते हैं क्या मूड्स अवेलेबल हैं हमारे होम स्टे के लिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा बहुत सारे शेयर्ड ऑटोज़ खड़े हैं और पर्सनल ऑटोज़ भी हैं। तो बात करते हैं और देखते हैं जो भी हमें सूटेबल लगेगा उसमें हम जाएंगे। तो देखिए, ये कार्तिक होटल है, इसके सामने भी आपको बहुत सारे ऑटोज़ मिलेंगे। और यहाँ पे बहुत सारे लोग सुबह सुबह पहुँचते हैं, तो आपको ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है कहाँ से ऑटो मिलेगा, क्या मिलेगा। आप अगर किसी नई सिटी पे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने बैग के साथ अपनी ट्रिप के लिए पौंडीचेरी आए हैं। तो बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। आपको सोलो ट्रैवल करना है, आप वो भी कर सकते हैं। तो हमने एक शेयर्ड ऑटो लिया। हमारे पास लगेज भी है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज पड़ेगा हमें, बट दैट्स ओके। अगर आप किसी ट्रिप पे आते हैं तो ये सारी चीज़ें तो चलती ही हैं। रूम पे थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम आ गए हैं थोड़ा लोकल एरिया एक्सप्लोर करने के लिए। आप कहीं भी ट्रिप पे जाएं तो वहाँ का लोकल एरिया को जाने की कोशिश कीजिए, वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट कीजिए। तो मैं तो यही करती हूँ, मुझे ये सब बहुत पसंद है। तो ये शॉप थी, यहाँ पे हमने कर्ड और मिल्क लिया। यहाँ पे जो लोकल्स हैं वो तमिल में बात करते हैं। यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट के लिए एक रेस्टोरेंट फाइंड आउट किया, गणेश रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे बेसिकली हम साउथ इंडियन फूड ट्राई करेंगे और देखेंगे कैसा है। साउथ इंडियन फूड तो होता ही बेस्ट है, और ब्रेकफास्ट के लिए तो इससे अमेजिंग और कुछ हो नहीं सकता। तो देखते हैं कैसा है। यहाँ पे बेसिकली रेस्टोरेंट में लोगों को तमिल ज़्यादा आती है, इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा कीवर्ड से वो लोग समझ जाते हैं। एक पर्टिकुलर इंसान होता है जिसको हिंदी आती है, तो अगर कोई हिंदी स्पीकिंग लोग आते हैं वहाँ पे तो वो उस बंदे को लेके आते हैं और बहुत ही प्यार से वो लोग खाना सर्व करते हैं आपको। तो हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करी। आप देख सकते हैं इडली, वड़ा, डोसा, अप्पम। और ये अप्पम को इन्होंने कोकोनट मिल्क के साथ दिया, ये कॉम्बो बेस्ट है इसके साथ। और इसके बाद हमने जूसेस भी ऑर्डर किए थे। तो आपको जैसा चाहिए, शुगर फ्री चाहिए, वो चीज़ आप उनको कम्युनिकेट करें। तो हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है, और ट्रस्ट मी, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस एंड बेस्ट ब्रेकफास्ट है। टूरिस्ट प्लेसेस पे ये सब फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप लोकल से इंटरेक्ट कीजिए, उनसे पूछिए कि वहाँ पे क्या अच्छा है, तो आपको इजीली मिल जाएगा। ब्रेकफास्ट के बाद चलिए चलते हैं अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है पैराडाइज बीच। पैराडाइज बीच दो तरीक़ों से जा सकते हैं। आप डायरेक्ट अपने व्हीकल से बीच तक जा सकते हैं, और सेकेंड वे है आप इस पर्टिकुलर एरिया पर आइए। यहाँ पर चुनंबर बैक वाटर्स है, वहाँ पे आप फेरी के थ्रू पैराडाइज बीच तक जा सकते हैं। तो हम इसी वे से जाएंगे।
यहाँ पे चुनंबर बोट हाउस भी है, तो उसमें भी आप जा सकते हैं। हम लोगों ने नॉर्मल फेरी लेने का सोचा है। तो अभी मैं जा रही हूँ नारियल पानी पीने, बहुत ही गर्मी है यहाँ पे। फिर हम जाएंगे टूवर्ड्स बैक वाटर्स। पार्किंग का चार्ज है टू व्हीलर का 10 रुपीज़ या 20 रुपीज़, सेम फोर व्हीलर का भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो मोड ऑफ़ ट्रैवल जो पांडिचेरी में है, वो आप बाइक रेंट पे ले सकते हैं, कार रेंट पे ले सकते हैं अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग, या ऑटो कैब कुछ भी कर सकते हैं। तो प्राइस कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हर एक जो प्लेस है वो इतनी ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है यहाँ पे। तो हम जा रहे हैं अभी बैक वाटर्स की तरफ। अभी हमने यहाँ पे एंट्री के लिए 20 रुपीज़ पर हेड चार्ज दिया, जो कि इस एरिया की एंट्री का चार्ज है। अगर आपको यहाँ पे ही बैक वाटर्स एंजॉय करना है, तो आप यहाँ पे भी रह सकते हैं। बट अगर आपको बीच जाना है, तो आपको यहाँ से बीच का अलग से टिकट लेना पड़ेगा। यहाँ पे 350 रुपीज़ पर एडल्ट चार्ज है फेरी राइड का, जो कि आपको ब्यूटीफुल बीच पे लेकर जाएगा। और ये एक्सपीरियंस अपने आप में ही बहुत अच्छा है। हम लोग यहाँ पे अभी फेरी का वेट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बोट हाउस भी है। तो लेट्स सी, आगे की जर्नी काफ़ी एक्साइटिंग होने वाली है। हमारी फेरी आ चुकी है, तो चलिए चलते हैं, फेरी में बैठते हैं और जाते हैं पैराडाइज बीच की तरफ। टेन टू 15 मिनट्स की राइड है, और बहुत ही प्यारी राइड है। आपको
सीनिक ब्यूटी देखने को मिलेगी, और जब तक आप इसका एक्सपीरियंस नहीं लेंगे आप समझ नहीं पाएंगे। सामने आपको एक ब्रिज दिख रहा है, वो पैराडाइज बीच का रोड वाला वे है। बाहर की गर्मी में जब आपको ठंडी ठंडी हवा आती है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। जो हमारी बोट चला रहे थे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में हमें लेकर गए। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप उसमें फ़न ऐड कर देते हैं तो आपकी ट्रिप बोलें राइड बोलें बोरिंग नहीं होगी। देखो अभी हमें एक सर्कल की तरह हमारी बोट को इन्होंने घुमाया, जिससे कि हमारी राइड काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गई। तो ये डिपेंड करता है कि कैसे आपको लेकर जाते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं पैराडाइज बीच। अमेजिंग, व्हाट अ व्यू! आप रिवर के साइड से सोच भी नहीं पाएंगे कि रिवर के इस तरफ इतना सुंदर बीच है। ये वन ऑफ द क्लीनेस्ट बीच है पॉन्डिचेरी का, और सिंस ये इजीली एक्सेसिबल नहीं है तो यहाँ पे बहुत रश नहीं होता है। ये लेस क्राउडेड और क्लीनेस्ट बीच है। तो चलिए चलते हैं बीच में और इन्जॉय करते हैं। यहाँ पे आप फोटोज़ क्लिक कर सकते हैं, शूट कर सकते हैं, रील्स शूट कर सकते हैं। लेस क्राउडेड है तो ये पीसफुल बीच है। यहाँ पे और भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कैमल राइड, किड्स के लिए एक सेक्शन है अलग से, बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं। तो एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बेस्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन है तो आप विज़िट कर सकते हैं। चलिए बहुत इन्जॉय कर लिया, अब वापस चलते हैं। ये जो सामने आपको बोट हाउस दिख रहा है ये चुनंबर बोट हाउस है, और ये जो बैक वाटर्स है ये चुनंबर रिवर और बे ऑफ बंगाल के जंक्शन पे है। तो वापस आने के लिए भी हमने फेरी राइड ही ली। अब बहुत भूख लगी है, चलिए लंच के लिए सर्च करते हैं कोई प्लेस। लोकल से पूछने पे पता चला दो तीन प्लेसेस उन्होंने सजेस्ट किए, जिसमें से एक है संजनास। यहाँ के रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, हमने सोचा यहाँ से खाना पैक करवा लें, बिकॉज़ रेस्टोरेंट में बैठ के खाने की किसी की हिम्मत नहीं थी, सब बहुत ही टायर्ड हो चुके थे। तो हम लोगों ने खाना पैक करवाया, रूम पे लेकर गए, थोड़ी देर रेस्ट किया और शाम को निकल गए फ्रेंच कॉलोनी की तरफ। तो ये है फ्रेंच कॉलोनी। आप पॉन्डिचेरी में आए हैं तो इवनिंग के लिए
ये बेस्ट ऑप्शन है, फ्रेंच कॉलोनी। यहाँ पे आप अपनी व्हीकल पार्क कीजिए एंड वॉक कीजिए। ये पूरा एरिया टोटली डिफरेंट है, इसका पूरा आर्किटेक्चर फ्रांस का आर्किटेक्चर है, तो ये पार्ट पांडिचेरी का एकदम अलग है। और इसी के सामने है आपका रॉक बीच, ये एरिया है पार्किंग। ऐसे ही यहाँ पे पैरेलली बहुत सारी लेन्स हैं जो कि पार्किंग है, तो पार्किंग की यहाँ पे बिल्कुल दिक्कत नहीं है। आप अपनी टू व्हीलर्स यहाँ पे पार्क कर सकते हैं और यहाँ पे वॉक कर सकते हैं। एक्चुअली इस पॉइंट के बियॉन्ड आपकी टू व्हीलर्स अलाउड नहीं है, तो आपको रॉक बीच में घूमना है तो आपको आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वॉक। एंड आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे वॉक करना। और 10 o'clock तक आपका ये यहाँ पे रेस्टोरेंट्स सारे ओपन रहते हैं, तो आप वॉक तो आप उस 10 o'clock के बाद भी कर सकते हैं, बट आप अपना डिनर 10 o'clock से पहले ही कर लें। तो आप मेरी वीडियो को एंजॉय कीजिए, और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।